रांची के डोरंडा थाना निवासी भोला गोसाई ने कहा कि मेरे हिस्से की खतियानी जमीन को मेरे रिश्तेदार दलाल से मिलकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में हम लोग ने डोरंडा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। जिला प्रशासन से आग्रह भी किया है कि हमारी जमीन को अवैध तरीके से खरीद बिक्री पर अविलंब रोक लगाए और मेरी जमीन किसी गलत हाथों में जाने से रोका जाए। भोला गोसाई हुआ, हम लोग का जमीन बड़ा घाघरा मौजा में पड़ता है, इसे खाता नंबर 29 है। अभी हम लोग का प्लॉट में 1860 और 1864 में बलपूर्वक उसमें काम किया जा रहा है। ऐसा है कि हम लोग का जो भैयाद है ये शनिचरवा गोसाई, इन लोगों का खतियान में 3-4 जगह बकब्जे जमीन दिखाता है ना, जिस हिसाब से इन लोग के कब्जे के हिसाब से जमीन में करीब करीब 1.5 एकड़ से ऊपर का हिस्सेदारी बनता है उन लोग का ना। लेकिन इस पर इस खतियान से रिलेटेड इसमें 7-5 को भैयाद है, ठीक है ना, तो सब भैयाद को बराबर इक्वल शेयर मिलना चाहिए। हम लोग का पूर्व में बाप दादा हम लोग को बराबर जमीन बैठा के दिया था, उस हिसाब से देखा जाए तो सबको 60 से 64 डिसमिल का हिस्सेदारी मिला था, ठीक है ना। क्या हुआ कि उस जमीन को हम 4 दीवारी निर्माण करवा के हम रखे थे, इस बीच में ये लोग किसी तरह से जमीन माफिया के बहकावे में आके जमीन माफिया को लिख दिए, ठीक है। चूँकि वो अपना हिस्सा तो पूर्व में उनके बाद बेच चुके थे और इनका जो कुछ हिस्सा फंसा हुआ था उसको हम भी बंदिक छोड़ा के हम दिलवाए थे। अब क्या हुआ कि बुधवार को हम डोंडा थाना आए थे, थाना में हम बड़ा बाबू को बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है हम मीटिंग करवा के जो भी मामला होगा संज्ञान में लेंगे, लेकिन संज्ञान में नहीं लिया। हमारा कहना था कि उस प्लॉट में जो भी अभी हो रहा है, अगर किसी तरह से मारपीट होता है, घटना होता है, किसी का जान चला जाता है, तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा। तो हम लोग का कहना है कि उस प्लॉट में जो भी अभी हो रहा है उस तत्काल उस काम को रोका जाए और 144 करके कोर्ट को माध्यम में दिया जाए। अगर कोर्ट अगर हम लोग का उसमें डिसाइड करेगा कि अगर मेरा हिस्सा निकलता है तो हम लेंगे, अगर हमारा हिस्सा नहीं निकलता और उसी का पूरा निकलता है, जो भी कोर्ट का आदेश होगा हम उस आदेश को मानेंगे, लेकिन अभी तत्काल इस काम को रोका जाए। हम लोग का आशंका है कि वहाँ पे किसी का भी हत्या हो सकता है, किसी के साथ अनहोनी घटना हो सकता है, और इस तरह का हो चुका है पूर्व में 10-15 दिन पहले, इधर पप्पू टिंकू हुआ था और इनको मार के सर इनका फोड़ दिया गया था, ठीक है ना, सर फोड़ दिया गया था और थाना में उस समय आए थे, इनका भी रिपोर्ट को दर्ज नहीं किया। जमीन हम लोग का दादाजी के नाम से है ना, जिसमें मणिनाथ गोसाई वगैरह जिनका 5 लड़के थे, चमर गोसाई, शनिचरवा गोसाई, भगवान गोसाई, जगन्नाथ गोसाई, गुलाब गोसाई, हम हैं और हमारे अथी का नाम दिलदा के परिवार, महिलाएँ हम लोग के परिवार के ही सदस्य हैं, कुछ लीलदास गोसाई के परिवार से और कुछ हम लोग मेरे परिवार से। मेरा नाम भोला गोसाई हुआ। पर जमीन है उसको कब्जा करने चाह रहा है, तो आजा पुरखा का सब चीज़ है दिया हुआ, पहले तो मुंह का जुबान से चलता था, तो उसको कब्जा करने चाह रहा है, तो इसके लिए आप लोग ही उपाय कर सकते हैं। और वहाँ जमीन के लिए माना करने जाते हैं तो मारपीट करता है, और कुछ हो जाएगा तो कौन संभालेगा, गुंडा उंडा सब भिड़ा देता है, दलाल फलाल सब भिड़ा देता है, उसका बाद में हम खरीदा हुआ जमीन को भी भैयाद सब हिस्सा ले लिया, हाँ, और हम लोग को नहीं देने चाह रहा है, खरीदा हुआ जमीन को भी हिस्सा ले लिया और उसको भी नहीं देने चाह रहा है, तो हम लोग क्या करें, आप लोग के पास नहीं आए तो किसके पास जाए। हम लोग का कहना है जो हम लोग का भैयादी जमीन है ना, तो भैयादी जमीन को हम लोग को मिलना चाहिए, जितना हम लोग को अधिकार पड़ता है उन लोग को जो भी अधिकार पड़ता है हम लोग को भी अधिकार, और वो लोग बोलता है कि ये लोग मेरा भैयाद नहीं है, जब मेरा जमीन में खरीदी हुआ जमीन में उन लोग को अधिकार पड़ा और अभी हम लोग को उन लोग लेने का टाइम में भैयादी जमीन उन लेने टाइम में बोलता है तो उन लोग को हक नहीं है, उन लोग हम लोग का भैयाद नहीं है, तो इस तरह का हम लोग को नहीं होना चाहिए। सब भैयाद है हम लोग, एक एक दादू का सभी का, दादू का पहले का जमाने में मुँह जुबानी बंटवारा हुआ था ना, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को हक मिले काम कराने के लिए। लोग निकला अनजानी मारपीट किया। भोला गोसाई, विष्णु गोसाई, अजीत गोसाई, बिट्टू गोसाई, और थाना में किया है, देखिए रिपोर्ट।
क्या चाहते हैं, हमको न्याय ना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।